संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की रिलीज गुरुवार को प्रस्तावित है और उसके एक दिन पहले घटनाक्रम गरमाया रहा। राजस्थान में कई जगह विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ सामने आई। इधर इस हालात में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं। राजस्थान में सीकर, पलसाना और नीम का थाना समेत कई जगहों पर राजपूत और अन्य संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। नीम का थाना में बुधवार को विरोध के स्वर उग्र हो गए और आंदोलन करने वालों ने रोडवेज की दो बसों में तोड़फोड़ कर डाली। इसके अलावा नीम का थाना नगर पालिका के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आग लगा दी और रास्ता जाम कर दिया। जाम में कई वाहन फंस गए जिन्हें रोडवेज की दो बसें भी शामिल थी। उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बसों पर पथराव भी किया जिससे बसों के शीशे टूट गए। अचानक हुए पथराव से बसों में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। उधर जालौर जिले के बागोड़ा उपखंड में करनी सेना सहित हिंदूवादी संगठनों और व्यापारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर और रोड जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया। इस दौरान फिल्म प्रदर्शित नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। के ऊपर भंसाली परिवार ने जो फिल्म बनाई है वो हमारे राजपूतों के खिलाफ में हमारे इतिहास के साथ में तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, वो हम नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम भले मरे रोड पे आवे तो भी उसका हम गम नहीं है, पर ये फिल्म हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। इसी के साथ में हमारा करनी सेना अध्यक्ष कालवी साहब का भी हमारे को स्टेटमेंट दिया है कि नहीं चलने देना, नहीं चलने, भले भूखे मरे जैसे महाराणा प्रताप भूखे मरे अपने जनता के लिए। उन्होंने बच्चे भी खो दिए थे, उनका परिवार भी खो दिए थे, जमीन भी खो दी थी, पर उन्होंने उनका इतिहास बनाए रखा। इसके लिए हम उनका उन्हीं के परिवार से ही हैं। हम छत्तीस कौम का साथ रहते हैं, उनके हम साथ में रहेंगे और उनका दुख दर्द भी हम उनके साथ में और साथ रहेंगे। वहीं राजस्थान के अलावा भी आंदोलन का दौर जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद अलर्ट जारी है। पुलिस ने इस मामले में 48 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं मॉल में तोड़फोड़ करने वाले चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। उधर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद हिंसा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से इस्तीफा मांगा है। अहमदाबाद में कल रात भर पद्मावत के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ। यहां 3 मॉल, 100 से ज्यादा वाहनों और मेट्रो में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। शहर में 40 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन करनी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी ने अहमदाबाद हिंसा से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में राजपूत समाज के लोग नहीं थे, कुछ लोग करनी सेना को बदनाम करना चाहते हैं और इसलिए असामाजिक तत्वों ने ऐसी हिंसा की। उधर धारा 144 लागू होने के बाद भी हरियाणा के गुरुग्राम में प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार दोपहर गुरुग्राम के सोहना रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस को फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने गुरुग्राम के वजीरपुर पटौदी रोड पर भी जाम लगाकर आगजनी की और दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी करनी सेना के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रदर्शनकारियों ने PVS मॉल में पत्थर फेंके जिससे मॉल के शीशे टूट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन प्रदर्शनकारी मौके से भाग छूटे। वहीं पद्मावत के विरोध में मथुरा जिले के भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने रेल रोक कर प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना था कि सरकार को इस पर पहले संवेदनशीलता से सारी कार्यवाही करनी चाहिए थी और अब माहौल जब बिगड़ चुका है तो इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। मैं इस बात को बहुत पहले ही जब ये फिल्म बन रही थी और इसके ऊपर जो एक विवाद शुरू हुआ था उसी टाइम मैंने इसके लिए कह दिया था, मांग करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसी हिस्टोरिकल फिल्म कोई भी बने, चाहे वो क्षत्रिय समाज की हो, चाहे वो यादव समाज की हो, चाहे वो गुर्जर समाज की हो, चाहे वो मीणा समाज की हो, चाहे वो SC समाज की हो, हिस्टोरिकल कोई भी फिल्म बनती है तो उसकी एक कमेटी बननी चाहिए जिसके अंदर हिस्टोरिकल जो लोग हैं, हिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी एक कमेटी बने, उस समाज के इम्पोर्टेंट लोगों की कमेटी बने कि हमारा जो इतिहास है वो नहीं बदला जाए। अब ये उनने फिल्म तो बनवा दी, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो एक तरह से अप्रूव होनी चाहिए उस कमेटी से। अब इनने फिल्म भी बनवा दी, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक समाज को, जो एक हमारे आदर्श रहे हैं उनके बारे में डेरोगेटरी है। तो अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है, जिम्मेदार सरकार है इसकी।
वहीं पद्मावत के रिलीज से एक दिन पहले देश भर के सिनेमा घरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई में पुलिस ने करनी सेना के 35 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सिनेमा घरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। इसके अलावा गुड़गांव में रविवार तक धारा 144 लगा दी गई है। करनी सेना ने फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे सिनेमा घरों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। गुड़गांव में 40 से ज्यादा सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स हैं। गुड़गांव में डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लगाई है। वैसे राजस्थान में भी सिनेमा घरों से 1 किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। पद्मावत विवाद के बीच करनी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कालवी ने कहा कि मुझे जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन गोली चले या कुछ भी हो, अब हम रुकने वाले नहीं। एक बार फिर से कालवी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। उधर पुलिस ने श्री राजपूत करनी सेना की चित्तौड़गढ़ इकाई के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कदम इकाई के प्रवक्ता द्वारा जोहर के लिए समुदाय की 1900 महिलाओं के तैयार होने की घोषणा के बाद उठाया। पुलिस ने चित्तौड़गढ़ इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह खंगरोट और उपाध्यक्ष कमलेंदु सिंह सोलंकी के आवास पर कल देर रात छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने संगठन के मुख्य सदस्यों में से एक देवेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया है।